तो गाइस फाइनली जी उसो को यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बनने के बाद आखिर वो कौन सा रेसलर होगा जो इनको यहाँ पर डिथ्रोन करेगा। हालांकि गाइस जी उसो के करियर का ये वन ऑफ द बेस्ट मैच होगा क्योंकि उनको 14 साल लग गए इस मैच को जीतने के लिए। जी उसो को यहाँ पर डब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद शायद से उनका पहला मैच होगा जहाँ वो सिंगल मैच यहाँ पर चैंपियनशिप बन पाए, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और जी उसो ने इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी, यहाँ पर उनका हार्ड वर्क, उनका कंसिस्टेंसी और उनका परसिवरेंस जो था यहाँ पर डब्ल्यू के प्रति, उनको यहाँ पर फाइनली जीत दिला ही दिया आखिरकार। उसके बाद यहाँ पर जी उसो मंडे नाइट रॉ पे यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को हराकर एक बार फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बन जाते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं आखिर वो कौन सा रेसलर होगा जो यहाँ पर जी उसो को डिथ्रोन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करने से पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए डब्ल्यूबी से रिलेटेड। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं सेमी जेन की। सेमी जेन आखिर वो पहले रेसलर हो सकते हैं जो यहाँ पर जी उसो को डिथ्रोन कर सकते हैं। वैसे जी उसो और सेमी जेन काफी अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ब्लड लाइन में काफी कुछ कारनामे दिखाए थे। वैसे अगर बात करें सेमी जेन की तो सेमी जेन कई बार यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बन चुके हैं यहाँ पर WWE में, और एक बार फिर से यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने के लिए यहाँ पर सेमी जेन धोखा दे सकते हैं यहाँ पर जी उसो को। अगर इनके बीच एक रैलवरी होती है तो काफी तगड़ा रैलवरी देखने को मिल सकता है जहाँ सेमी जेन काफी आसानी से डिथ्रोन कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पर जी उसो को। उसके बाद नेक्स्ट नंबर टू पे यहाँ पर फिन बैलर भी काफी पोटेंशियल रखते हैं जी उसो को डिथ्रोन करने के लिए। वैसे गाइस जी उसो यहाँ पर जजमेंट डे के यहाँ पर दुश्मन तो हो ही गए जब से उन्होंने यहाँ पर रिया रेपली और डेमियन प्रिस्ट का साथ दिया है, और इसी वजह से यहाँ पर फिन बैलर अपना फायदा उठाकर यहाँ पर एक दुश्मनी यहाँ पर मोल ले ले या फिर रैलवरी देखने को मिल जाए जी उसो और फिन बैलर के बीच। और इससे ये भी देखने को मिल सकता है कि फिन बैलर काफी पहले यहाँ पर जी उसो को डिथ्रोन कर दिया उनको सक्सेस मिलने से पहले ही। वैसे फिन बैलर ने काफी समय से यहाँ पर जजमेंट डे के रेसलर बने हुए थे, इन्होंने 2 से 3 सालों के लिए यहाँ पर जजमेंट डे में ही साथ दिया था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 पे आते हैं यहाँ पर जेवियर वुड, ये भी यहाँ पर काफी पोटेंशियल रखते हैं डिथ्रोन करने के लिए जी उसो को। वैसे गाइस इस समय जेवियर वुड यहाँ पर हील टर्न के रूप में दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर कॉफी किंगस्टन को काफी जल्दी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दे जिसकी वजह से यहाँ पर उनका अगला निशाना हो सकते हैं जी उसो। और गाइस वहाँ से जेवियर वुड निकलकर कॉफी किंगस्टन और बिग ई के साथ निकलकर यहाँ पर एक बार फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बन जाए जी उसो को हराकर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पे यहाँ पर आते हैं ब्रॉन ब्रेकर। हालांकि यहाँ पर जी उसो ऑलरेडी ब्रॉन ब्रेकर को हराकर ही यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बने थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर आकर इनसे एक बार फिर रीमैच मांगे और इनके बीच एक बार फिर से फ्यूड देखने को मिले, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर अपना बदला ले सकते हैं यहाँ पर एक बार फिर से जी उसो के साथ। वैसे गाइस ब्रॉन ब्रेकर काफी समय पहले ही यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बन गए थे, पर उनको यहाँ पर काफी समय पहले ही डिथ्रोन कर दिया जिसकी वजह से जी उसो चैंपियन बने। उसके बाद लास्ट नंबर 5 पे हो सकते हैं यहाँ पर जिमी उसो। वैसे गाइस इस समय जिमी उसो इंजरी से यहाँ पर जूझ रहे थे जिसकी वजह से उनका काफी जल्द ही रिटर्न होने वाला है अभी WWE में। तो यहाँ पर रिटर्न के बाद ये भी देखने को मिल सकता है कि जिमी उसो आने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से जी उसो के ऊपर अटैक कर दें। और लास्ट टाइम यहाँ पर जब जिमी उसो यहाँ पर इंजर्ड हुए थे तो जी उसो ही यहाँ पर उनके ऊपर डिस्ट्रॉय किया था। हालांकि गाइस इस मैच को देखने के लिए काफी लोग एक्साइटेड होंगे क्योंकि ये मैच ब्रदर वर्सेस ब्रदर और उस वर्सेस उसो होगा, और जिसकी वजह से इस मैच को काफी सारे यहाँ पर रेटिंग स्टार मिल सकते हैं। तो गाइस यही 5 रेसलर हो सकते हैं जो यहाँ पर जी उसो को डिथ्रोन कर सकते हैं, और ये काफी ज्यादा यहाँ पर पोटेंशियल रखते हैं इनको डिथ्रोन करने के लिए। वैसे आपका क्या मानना है कि वो कौन सा रेसलर हो सकता है जो इनको यहाँ पर डिथ्रोन कर सकता है आखिरकार? तो गाइस फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।